सतनामी समाज के सबसे पावन तीर्थ यानी जांजगीर जिले का गिरौदपुरी यूं तो पूरे साल समाज के दर्शनार्थियों से भरा होता है। यहां सिर्फ समाज के ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी वहां के भव्य जैतखाम के दीदार के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन पर्यटकों का तब निराशा हाथ लगती है जब उन्हें यहाँ के बद इंतजामी से दो चार होना पड़ता है। जी हाँ, प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन और धार्मिक स्थल के तौर पर शुमार गिरौदपुरी धाम सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि है। अपनी पवित्रता के बावजूद इस स्थल पर गंदगी और अव्यवस्था का अंबार लगा हुआ है। इस बारे में INN24 ने ऐसे ही दर्शनार्थियों से बात की और उनके अनुभव जानने की कोशिश की। दर्शनार्थियों ने बताया कि यह जगह जितनी पवित्र है उतनी ही निर्मल भी होनी चाहिए, लेकिन मानो यह स्थल अब अपनी ऐतिहासिक पहचान खोता जा रहा है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ ही भव्य जैत खम्भ में भी स्वच्छता के इंतजाम बेहद लचर हैं। उन्होंने बताया कि एक मंदिर के तौर पर जिस तरह की सफाई की उम्मीद वह करते हैं वह यहाँ नजर नहीं आ रही है। लोग पीने के पानी के लिए भी भटक रहे हैं। ऐसे में सरकार का इस पावन स्थल को लेकर किया जा रहा हर दावा खोखला नजर आता है। सर, यहाँ तो पहले बात जो अपना पानी वानी कुछ व्यवस्था नहीं है। जो भी बाहर से आदमी आते हैं वो पानी से तरसते हैं। और यह अभी 3 साल हुए बने हुए। 3 साल में जब ये स्टेशन कहीं से पानी आ रहे हैं, कहीं टाइल से उखड़ रहे हैं, कहीं और कुछ हैं, तो एक काम कराने से भी कोई मतलब के नहीं है। उससे अच्छा नहीं काम कराना था, जैसा था वैसे भी अच्छा था। अभी तो जहाँ भी देखेंगे सर, कहीं से टाइल से उखड़ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं तो पानी पीने का कोई साधन नहीं है। पानी के लिए इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं। पहले पानी का समाधान करना चाहिए, उसके बाद आगे का और कोई सोचना चाहिए। सफाई कम नहीं मिस्टर, और सफाई तो देखेंगे सर कि सफाइयाँ कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे बरसों से ये खंडर ही पड़ा, यहाँ कोई आता जाता कोई नहीं हो ऐसे।